मैं रणदीप सुरजेवाला जी को कांग्रेस में शायद इकलौता पढ़ा लिखा व्यक्ति मानता हूँ, और अपने जवाबदेही के अंदर भी बड़े अच्छे डिक्शनरी से शब्द निकाल कर तल्ख उल्ख करते रहते हैं। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि फैक्चुअली वो पूरी तौर पर गलत है। और दूसरी चीज़ है, गाड़ी की R&D कहीं भी जाए, अगर हमारे यहाँ नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है तब तो हम मानते हैं कि प्रदेश में खतरा है। आज आपके कैमरे हैं, ये कुछ चाइना में प्रोडक्शन चल रही होगी, उसको जापान में शिफ्ट कर देंगे, मगर चाइना वाले प्लांट को तो नहीं बंद करेंगे। एक मॉडल के शिफ्ट होने से, जो कि आज के तौर पर पूरी तौर पर तथ्य गलत है, मैंने मारुति में उस बारे में बात करी है, कोई भी प्रोडक्शन शिफ्ट नहीं हो रही, सिर्फ उनकी टेक्निकल टीम को शिफ्ट किया गया है, क्योंकि वहाँ R&D की यूनिट जो सेटअप हुई। मगर एक फायदा जरूर हो गया, आज आपको एक नई चीज़ बताने लायक मैं जरूर बन गया कि सुरजेवाला जी जो खतरा हरियाणा प्रदेश के अंदर सुजुकी की तरफ से बता रहे, पिछले दिनों सुजुकी के जो CEO MD हैं, उनके जो लाइफ टाइम इंडिया के चेयरमैन हैं और उनकी मेन बोर्ड की टीम के साथ मेरी मुख्यमंत्री की VC हुई थी, और उस समय उनके कुछ क्वेरीज थी, उन क्वेरीज को हमने एड्रेस किया खरखोदा के अंदर। अब मारुति ने HSIDC से 800 प्लस एकड़ मारुति के प्लांट के लिए और 100 प्लस एकड़ सुजुकी बाइक्स के प्लांट के लिए मांग करी है, और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे हमने फ्लिपकार्ट को, जैसे हमने ATL को, उसी तरीके से आने वाले दिनों के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर मारुति का भी एक विशाल प्लांट इस्टेब्लिशमेंट का हम नींव रखने का काम करेंगे। एक चीज और बताना चाहूँगा, केवल मात्र यही नहीं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो प्रदेश की बना रहे हैं वो एक ऐसी रूपरेखा होगी, ये छोटी छोटी कंपनी, मेरा ये प्रयास रहेगा हुंडई हो, निसान हो, जो और विदेशी कंपनियां हैं जो इंडिया के अंदर आना चाहती है, प्लांट इस्टेब्लिश करना चाहती है, वो भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डेवलपमेंट को हरियाणा प्रदेश की धरती पर लेकर आए। और इसके लिए दो बड़े बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो गाड़ियों की बैटरीज बनाती है, उनसे भी हमने चर्चा करी है कि वो भी हरियाणा में आकर अपना प्लांट इस्टेब्लिश करने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगले महीने दो महीने के अंदर हरियाणा प्रदेश बड़ी इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ आती देखेगा। आज कांग्रेस ऊपर कैसी है उसको ही देख लो, अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी यही कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को स्टेबल कर लेंगे तभी जाकर तो स्टेट लीडरशिप स्टेबल होगी। ये तो अमेरिका का इतिहास पढ़ने का कभी मौका मिले तो आप देखना कि वहाँ कोई राजनीतिक दल 100-125 साल से ज़्यादा नहीं रहा, और आज कांग्रेस की हालत भी वही है, 125 साल हो गए कांग्रेस को। कि जरूर बोल सकता हूँ जो घटना सिरसा में हुई है वो अब किसान आंदोलन की प्रेरित घटना नहीं है। मैंने सिरसा पिछली बार भी ये बोला था कि ये चुनिंदा राजनीतिक लोग हैं, कोई सरपंची की तैयारी कर रहा है, कोई जिला परिषद की तैयारी कर रहा है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से मोटिवेटेड है। अगर डिप्टी स्पीकर की गाड़ी को तोड़ना किसान आंदोलन का हिस्सा है तो मैं चाहूँगा कि जो एक कमेटी है 40 लोगों की, संयुक्त किसान मोर्चा, यह आके इसको अपनाने का काम करे। सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई उन तमाम लोगों के विरुद्ध करेगी जिनने इस गतिविधि को अंजाम दिया है, ऐसी बर्बरता प्रदेश में सही नहीं रहेगी। मैं तो पिछले 4 महीनों से ये बोल रहा हूँ कि इनमें से कोई एक आदमी आज सरकार से बात करने को तैयार नहीं है। कृषि मंत्री ने एक नहीं कई बार ये बात कही है कि आए बात करें। आज तो ये साफ देखने में आता है कि जो लोग दिल्ली के बॉर्डर पर भी बैठे हैं या संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप बनकर बैठे हैं, उनका कहीं ना कहीं आने वाले UP और पंजाब चुनाव के अंदर अपनी राजनीति चमकाने का एक अवसर बनाकर इसको देखा कि पिछले एक पूरे वित्त वर्ष के अंदर हमें 2 बार कोरोना की मार झेलनी पड़ी, बीच में किसान एजिटेशन भी झेलना पड़ा, उसके बावजूद भी जिस तरीके से प्रदेश के अंदर मॉनिटरिंग को स्ट्रॉन्ग किया गया, प्लस हमारी जो एक्साइज की बैलेंसिंग थी
उसको बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया था पॉलिसी के अंदर, उसका लाभ प्रदेश को आया है कि प्रदेश का राजस्व 17% एक्साइज का बढ़ा है। और हमने जो इस साल की पॉलिसी है उसके अंदर भी ये टारगेट लिया है कि अगर हम 7,000 करोड़ तक पहुंचने में कामयाब हुए इस साल, तो नेक्स्ट ईयर हम उसको 7,500 और 8,000 करोड़ के बीच में लेकर जाएंगे। और उसके अंदर अहम चीज़ें यही रहेगी कि ट्रैक एंड ट्रेस भी पूरी तौर पर लागू इस वर्ष में हो जाएगा। हमारे तमाम जितने वेंड्स हैं उसके अंदर भी POS स्कैनिंग की व्यवस्था हम बढ़ाएंगे, जिससे कोई भी बॉटल बिना स्कैन होकर डिस्पर्स ना हो। रिकॉर्ड के अंदर 3 पिटिशन्स हैं अलग अलग, एक महिला रिजर्वेशन पर है, एक SC की परसेंटाइल पर है और एक बैकवर्ड के ऊपर है। उसकी कल भी तारीख थी, आने वाले दिनों में भी सुनवाई होगी, पर हम जल्द इलेक्शन कमीशन को लिखकर देने वाले हैं कि अगर कोई जिला परिषद के ब्लॉक्स की डिवीजन के कारण डिले हो रहा है तो ये हमारा जरूर विचार हो सकता है कि हम सरपंच पंच के चुनाव पहले करें। दिल्ली सरकार की तरफ से आरोप लगाया गया है हरियाणा पर पानी को लेकर कि हरियाणा पानी कम दे रहा है। हरियाणा के पास जिस मात्रा में पानी आ रहा है और उसकी 60-40 रेशों में जो पानी दिल्ली को जाना चाहिए वो पर्याप्त मिल रहा है। या तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे और कहे कि पंजाब हमें फालतू पानी दे, क्योंकि आज के दिन जो भाखड़ा का लेवल है BBMB का वो गिरा है, और ये आज नहीं इस पूरे वित्त वर्ष के अंदर लो रेनफॉल के कारण एक बड़ी समस्या में देखने को मिली। उसकी डिवीजन किस रेशो में होगी ये पहले ही BBMB ने डिसाइड करके, वो रेशो तो चेंज नहीं हो सकती। अगर 60% हरियाणा का पानी और आज दिल्ली चाहती है कि उसको 60% मिले, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। हमें भी हमारे हर नागरिक को पानी दिलवाने का अधिकार है। आज तो केवल मात्र दिल्ली सरकार का राजनीतिक स्टंट जरूर इसको कहा जाता है कि वो फेल रही कि अपनी वाटर कैरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाई, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाई, उस कारण हमेशा हरियाणा पे बात डाल देती है। अगर इतने ही वो सशक्त होते तो दिल्ली जल बोर्ड पहले ही क्यों नहीं प्लान कर व्यवस्था बनाता। ये मेयर दिल्ली सरकार का फेलियर है जिससे आज दिल्ली के नागरिकों को पानी की किल्लत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पार्टी में जो मुद्दा चल रही है, हालांकि सब सवाल कांग्रेस के लिए, लेकिन आप कैसे देखते हैं कांग्रेस? चलो ये तो मान।